लेखांकन अनुपात में एक अगली कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो होती है पूंजी आवर्त अनुपात, यानी कि कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो भी पूंजी विनियोजित की गई है उसका और शुद्ध बेचे गए माल की लागत के बीच क्या संबंध है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये अनुपात हमको दर्शाता है कि किसी वस्तु के निर्माण में पूंजी का जो विनियोग किया गया है, हमने वहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे हमको कितना टर्नओवर मिल रहा है। दूसरी बात, हम इसके कैलकुलेशन से, इसके रेशियो से ये भी देखते हैं कंपेयर करके कि इसमें ग्रोथ हो रही है या कमी आ रही है, ये भी हम पता लगा लेते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पूंजी आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत बटे कुल पूंजी। कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। यहाँ पर क्योंकि हम कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह टोटल कैपिटल की बात करते हैं, तो एक बात का हमको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हमको कैपिटल की कैलकुलेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफ्रेंशियल शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों को इंक्लूड करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर लाभ हानि खाते का शेष क्रेडिट बताता है, यानी कि प्रॉफिट अगर शो करता है, तो उसको भी इस कैलकुलेशन में हमको प्लस करना है। और अगर डेबिट यानी कि लॉस शो करता है तो उस कंडीशन में यहाँ कैलकुलेशन में हमको उसको माइनस करना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमको और देखने को मिलेंगे, जैसे कि फिक्टिटियस एसेट्स के बारे में हमने बात की थी, गुडविल और उससे रिलेटेड बहुत सारे एसेट्स, साथ ही साथ हमने नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स की बात की थी। तो ये सारे जो पॉइंट आएंगे, फिक्टिटियस एसेट्स या नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स या फिर लॉसेस, तो ये सारे पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे अगर क्वेश्चन में दिए गए हैं तो। पर्टिकुलर एक फॉर्मूले के आधार पर हम इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि कौन कौन सी चीज़ें इससे रिलेटेड दी गई हैं। प्रॉफिट बेस्ड अगर पॉइंट्स हैं तो वो इसमें ऐड होते जाएंगे, और लॉसेस अगर हैं, डेबिट बैलेंस अगर हैं, तो वो इसमें से माइनस होते जाएंगे। तो आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। निम्नलिखित से पूंजी आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेशन कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स कैश 12 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट 2 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, करेंट एसेट्स 5,40,000, करेंट लाइबिलिटीज 4,40,000, कैश सेल 5,50,000, ग्रॉस क्रेडिट सेल 15 लाख, सेल्स रिटर्न 50,000। यहाँ पर क्योंकि हमको कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, हमको सबसे पहले ये देख लेना होगा कि जिसकी कैलकुलेशन हमको करनी है उसमें जो जो पॉइंट्स दिए चाहिए होते हैं, हमको जरूरत है, क्या वो पॉइंट क्वेश्चन में दिए गए हैं या फिर हमको उसको कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, नेट सेल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हालांकि इससे संबंधित जानकारी दी गई है, लेकिन एक्चुअल इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, कैपिटल एम्प्लॉयड के भी और नेट सेल के भी। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि जो भी फिक्स एसेट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, करेंट एसेट्स है, ये सारे जो एसेट्स हैं इनको हमको जोड़ लेना है, और करेंट लाइबिलिटी जो है वो इसमें से हमको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे, नेट फिक्स एसेट्स है 12 लाख, और इसमें डेप्रिसिएशन अभी दिया गया है 2 लाख का, अभी तक का संचित मूल्यह्रास दिया गया, तो वो हमको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि डेप्रिसिएट हो गई ये वैल्यू, तो अब ये जो एसेट्स है उसकी वैल्यू 10 लाख ही हो गई। तो यहाँ पर या तो हम डायरेक्ट 10 लाख शो करें या फिर 12 लाख माइनस 2 लाख भी कर सकते हैं। और फिर हमको इसमें प्लस करना है करेंट एसेट, तो करेंट एसेट्स हम देख रहे हैं कि 5 लाख रुपीज के हैं, वो हम प्लस कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं
तो करंट एसेट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं 5,40,000 के, वो हम प्लस कर लेंगे। उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है 1 लाख का, वो भी हम प्लस कर लेंगे। तो टोटल ये हमने एसेट्स यहाँ पर प्लस कर ली है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे करेंट लाइबिलिटी जो कि क्वेश्चन में दी गई है 4,40,000। तो ओवरऑल जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है ये आ जाएगा 12 लाख। और अब हम नेट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट सेल हमने देखा कि जो टोटल सेल होती है, टोटल मतलब कैश और क्रेडिट मिला के, इसमें से हम सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल सेल आ रही है, कैश सेल है 5,50,000, क्रेडिट सेल है 15 लाख, और इसमें हम माइनस कर दें तो ये 50,000 का जो सेल्स रिटर्न है वो माइनस हो जाएगा। तो टोटल हमारी जो नेट सेल हो जाएगी वो हो जाएगी 20 लाख की। अब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल गया, नेट सेल भी मिल गई, तो हम कैपिटल टर्न ओवर रेशियो कैलकुलेट कर लें। तो ये हमारा फॉर्मूला है नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट सेल है हमारा 20 लाख और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल टर्न ओवर रेशियो 1.67 टाइम्स। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। फर्स्ट नेट फिक्स एसेट 3 लाख, नेटवर्किंग कैपिटल 1,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 15 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख। सेकेंड शेयर होल्डर्स फंड 4 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% ऑन कॉस्ट वॉज 6 लाख। यहाँ पर हमको दो अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, और इनके आधार पर हमको अलग अलग दोनों बार पूंजी आवर्त अनुपात यानी कैपिटल टर्न ओवर रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। तो हमने देखा कि कैपिटल टर्न ओवर रेशियो के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है नेट सेल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोनों ही कंडीशन में हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, फिर नेट सेल कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बेस पे हम कैपिटल टर्न ओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट कंडीशन के लिए हो जाएगा, जिसमें हमने देखा कि हम एसेट्स को जोड़ते हैं और लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो एसेट्स है फिक्स एसेट्स वो है 3 लाख, और वर्किंग कैपिटल हमको एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, तो वर्किंग कैपिटल को हम इसमें जोड़ देंगे, और किसी प्रकार के अदर कोई करंट एसेट्स या लाइबिलिटीज यहाँ पर नहीं है। तो हम फिलहाल नेट फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल को जोड़कर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 3 लाख प्लस 1,50,000 यानी 4,50,000। और फिर हम नेट सेल कैलकुलेट कर लें। तो नेट सेल के लिए हमने देखा कि कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, और उसमें से फिर हम माइनस कर देते हैं रिटर्न। लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेस पे और ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे हमको नेट सेल कैलकुलेट करनी है, यानी कि बेचे गए माल की लागत थी 15 लाख और लाभ उसमें जुड़ गया 3 लाख, तो दोनों को मिला के हम विक्रय मूल्य निर्धारित करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट यानी 15 लाख प्लस 3 लाख इक्वल टू 18 लाख नेट सेल्स। तो ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बहुत आराम से इसको फॉर्मूले में पुट करके कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट सेल है 18 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,50,000। तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 4,50,000 यानी कि कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 4 टाइम। सेकेंड कंडीशन में जबकि यहाँ पर शेयर होल्डर फंड दिया गया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दिए गए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% ऑन कॉस्ट वो 6 लाख दिया गया है, इसके बेस पे हमको कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो दो चीजें तो मस्ट है, हमको चाहिए ही चाहिए जब हमको कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना हो, एक नेट सेल और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ नेट सेल और कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के अपने अलग अलग मेथड्स हो जाते हैं, अपने अलग अलग तरीके हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, किस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमको इनको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तो एक तो हमको शेयर होल्डर फंड दिया गया है और एक लॉन्ग टर्म डेट दिया गया है, तो इसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत सारी अलग अलग कंडीशन होती है, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास बिजनेस की, इस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे कैलकुलेट करें उसको। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो शेयर होल्डर फंड है हमारे पास 4 लाख और लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास 6 लाख, तो ये टोटल 10 लाख हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। और सेल हम कैसे कैलकुलेट करें, तो सेल यहाँ पर दिया गया है कि सकल लाभ लागत पर 20%, 6 लाख रुपए था। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो लाभ था वो 6 लाख था
और ये किस पर 6 लाख था, तो ये लागत पर। तो लागत क्या थी, विक्रय मूल्य क्या था, इसकी कैलकुलेशन हमको करनी है। तो हम ये मान लेते हैं कि कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज है। अगर कॉस्ट 100 रुपीज है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 का 20% यानी 20 रुपीज। तो फिर इस कंडीशन में सेल कितनी हो जाएगी, तो सेल क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 20 यानी 120। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपीज है तो सेल है 120, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख होगा तो सेल कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 6 लाख × 120 डिवाइडेड बाई 20। तो यहां पर ये आ जाएगा 36 लाख। मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख है तो जो हमारी सेल है वो है 36 लाख। तो हमने नेट सेल कैलकुलेट कर ली, कंप्यूटर, तो हमने नेट सेल कैलकुलेट कर ली, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया। अब हम बहुत आसानी से कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला पुट करके। तो यहाँ पे फॉर्मूला है नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 36 लाख अपॉन 10 लाख यानी 3.6 टाइम। लेखांकन अनुपातों में एक और महत्वपूर्ण अनुपात की गणना प्रत्येक व्यापार में की जाती है, जो है लाभदायकता अनुपात यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। वास्तव में अगर देखा जाए तो सभी व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना या लाभ प्राप्त करना होता है। अगर लाभ प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है तो सिर्फ ये मान लिया जाता है कि ये केवल व्यापार को जीवित रखने, व्यापार का संचालन करने या अन्य किसी दृष्टिकोण जैसे कि सामाजिक दृष्टिकोण से संचालित किए जा रहे हैं। लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत हम देखते हैं कि उन अनुपातों की कैलकुलेशन की जाती है जिससे हम ये पता लगा सकें कि विक्रय पर सकल लाभ का प्रतिशत क्या है। यानी कुल मिलाकर लाभदायकता अनुपात रेशियो एनालिसिस से थोड़ा हटकर परसेंटेज बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। जब हम लाभदायकता अनुपात की गणना करते हैं तो इसके दो आधार होते हैं। पहला आधार होता है विक्रय पर आधारित लाभ अनुपात यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन सेल, और दूसरा आधार होता है विनियोग पर आधारित लाभ अनुपात यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो अनुपात होता है वास्तव में ये सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है और इसका परसेंटेज सकल विक्रय के आधार पर निकाला जाता है। जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटे शुद्ध विक्रय गुणित 100। ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमको चाहिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा हमको चाहिए शुद्ध विक्रय यानी कि नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल या तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से निकाल के दिए गए होंगे या फिर हमको इनके कैलकुलेशन करनी होगी। देखा जाए तो प्रॉपर कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम सेल फाइंड आउट कर लें, नेट सेल फाइंड आउट कर लें या फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको अलग अलग फॉर्मूले से इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट की तो इसको हम कैलकुलेट करते कर सकते हैं सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके, क्योंकि हमने जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन की थी तो हमने देखा था कि सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को अलग कर दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड पॉइंट दिए गए हैं क्वेश्चन में तो हम बहुत आसानी से यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत के आधार पर। दूसरा, यहाँ हम ग्रॉस प्रॉफिट स्टॉक के बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रश्न में हमको क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड जानकारियाँ दी गई हैं तो
तो उसके आधार पर भी हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमको फॉर्मूला लगाना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल, और फिर हमको इसमें से माइनस करना होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेस के साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अमाउंट जुड़ी हुई होगी, और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिए गए हैं तो हम केवल परचेस को ही यहाँ माइनस करेंगे। नेट सेल के कैलकुलेशन भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी जानकारियाँ हमको दी गई हैं। अगर यहाँ पर हमको कैश सेल और क्रेडिट सेल दी गई है तो हम दोनों को टोटल करके टोटल सेल यानी कि नेट सेल निकाल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में हमको टोटल सेल जो दिया रहेगा उसी को हम नेट सेल मान सकते हैं। अगर हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया है और उसके बेस पे टोटल सेल की कैलकुलेशन करनी हो तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उनको हम एक फॉर्मूले के रूप में फॉर्म कर लेंगे और फिर हम नेट सेल की कैलकुलेशन करेंगे। अगर यहाँ पर हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेस पे कैलकुलेशन करनी हो तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब अगला एक लेखांकन अनुपात हम ज्ञात करेंगे, शुद्ध लाभ अनुपात यानी कि नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो के कैलकुलेशन का एक मुख्य उद्देश्य शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट और शुद्ध विक्रय यानी कि नेट सेल के मध्य क्या संबंध है ये ज्ञात करना होता है। अनुपातिक रूप से हम इसकी गणना करते हैं और इससे हम ये देखते हैं कि पूरे ऑपरेटिंग वर्क यानी जो क्रियात्मक जो भी कार्य किए गए हैं उनकी कार्य कुशलता कितनी है, वो कितने इफेक्टिव हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं शुद्ध लाभ अनुपात बराबर शुद्ध लाभ बटे शुद्ध विक्रय गुणित 100। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। शुद्ध लाभ का आशय यहाँ पर करों और ब्याज की जो राशियाँ होती हैं उनको हटाने के बाद जो अमाउंट आती है उससे होता है, उसे हम नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ कहते हैं। तो अगर शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया गया है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया गया है तो पहले हमको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस जब माइनस हो जाएंगे तब जो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा फिर वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इसके बेस पे सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी बात, जो गैर संचालन व्यय हो, हमने एक्सपेंसेस के बारे में देखा था कि दो भागों में बांट कर हम यहाँ पर इसको देखते हैं, एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी जिन्हें हम कहते हैं संचालन व्यय जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग यानी संचालन से रिलेटेड होते हैं, और दूसरा हमने देखा था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनका ऑपरेटिंग जो वर्क होता है उससे कोई रिलेशन नहीं होता, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होते हैं। यहाँ जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉफिट होता है उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं, और फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं रेशियो की कैलकुलेशन के लिए वो होगा नेट ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। इसके लिए जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको चाहिए उसको हमको फिर से पहले कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नेट ऑपरेटिंग इनकम
प्लस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसके बेस पे हम बहुत आसानी से यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेशन कर लेंगे। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट, स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 25,000, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 15,000, purchase 70,000, wages 3,000, carriage involved 2,000. Second, opening stock 29,000, closing stock 31,000, sale 2,53,500, gross profit at the rate of 30% on sale. यहाँ पर हमको calculate करना है stock turnover ratio, और stock turnover ratio के लिए हमको दो चीजें चाहिए, net sale और average stock। तो ये दोनों चीजें हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नेट सेल के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर, क्योंकि एक तो बताया गया है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेस कितना किया और कौन कौन से उसमें एक्सपेंसेस दिए, तो इसके बेस पे हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस है प्लस कैरेज इन्वॉल्व है, और इसमें हम माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। तो ओपनिंग स्टॉक है 25,000, परचेस है 70,000, वेजेस है 3,000, कैरेज इन्वॉल्व है 2,000, और इसमें हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,000, तो ये आ जाएगा 85,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कैलकुलेट कर ली, अब हमको चाहिए एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक हमने पहले भी देखा था, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है 25,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 डिवाइडेड बाय टू, तो ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय टू, यानी कि 20,000 एवरेज स्टॉक। अब हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो ये हो जाएगा 85,000 अपॉन 20,000, 4.25 टाइम। सेकेंड कंडीशन में जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो स्टॉक टर्नओवर के रेशियो के लिए हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज अमाउंट, और उसमें हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड, यहाँ पर भी हमको स्टॉक टर्नओवर रेशियो ही कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हमको अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सेल और ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है। तो सेल जो है वो 2,53,500 है, और इसमें 30% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसका 2,53,500 का 30% हम ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से माइनस कर देंगे, यानी जो सेल होती है उसमें अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाए तो जो डिफरेंस बचता है यानी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहा होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि सेल जब हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, जो भी माल बनाने की लागत आती है उसमें प्रॉफिट को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आती है वही अमाउंट जो है वो विक्रय मूल्य उसी पर निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 2,53,500, और इसका 30% यानी कि 76,050, यानी 1,77,450। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर ली। अब हम एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज स्टॉक का हमने फॉर्मूला देखा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई टू। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 29,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 31,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 60,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 30,000। तो यहां हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक दोनों कैलकुलेट किया। अब हम निकालेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो कि हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, यानी 1,77,450 डिवाइडेड बाय 30,000, 5.915 टाइम्स। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज 6 टाइम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 2,40,000, स्टॉक इन द बिगनिंग इज रुपीज 10,000 मोर देन द स्टॉक इन द एंड। कैलकुलेट स्टॉक इन द बिगनिंग एंड एट द एंड,
यहाँ पर हमको बताया गया है कि जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है ऑलरेडी बता दिया गया है कि वो 6 गुना है, यानी अब तक हम जिसकी कैलकुलेशन कर रहे थे वो कैलकुलेट करके दे दिया गया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो 6 गुना है, 6 टाइम है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत बता दी गई है 2,40,000। प्रारंभ में स्टॉक जो है वो अंत के स्टॉक से 10,000 अधिक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा है, तो कितना रहा होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर हमको बोला है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो। तो चलो सबसे पहले तो हमको जो चीजें दी गई है उससे उसके बेस पे हम चलते हैं कि कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमको पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 है, तो हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 6 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,40,000 अपॉन एवरेज स्टॉक नहीं है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, इधर आ जाता है 6 इंटू एवरेज स्टॉक इक्वल टू 2,40,000, और एवरेज स्टॉक कैलकुलेट हम करते हैं तो हो जाता है 2,40,000 अपॉन 6 यानी 40,000। तो एवरेज स्टॉक हमको मिल गया 40,000। अब एवरेज स्टॉक क्या होता है, हमने देखा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लें। हम ये मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो एक्स है और क्लोजिंग स्टॉक से वो 10,000 अधिक है, यानी कि अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, एक्स प्लस 10,000। और टोटल जो है वो एवरेज स्टॉक जो है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि 40,000 है, तो ये हो जाएगा 40,000 इक्वल टू एक्स प्लस 10,000 प्लस एक्स अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे 40,000 इंटू 2 यानी 80,000, और यहाँ पर जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x यानी 2x और 10,000, 2x प्लस 10,000। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस 10,000 यहाँ पर है, 2x को अगर हम यही रहने दें और 10,000 को हम पक्षांतर करके 80,000 के पास ले आए तो ये हो जाएगा 80,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 2x, या फिर हम इसको लिखें 2x इक्वल टू 80,000 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 70,000 और x इक्वल टू हो जाएगा 70,000 अपॉन 2 यानी कि 35,000। हमको x की वैल्यू मिल गई 35,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक हमने ज्ञात कर लिया 35,000, तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो x प्लस 10,000 है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 35,000 प्लस 10,000 अगर हम कर देते हैं तो 45,000 हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, सेल्स 3,60,000, क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 15,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर भी हमको वही चीजें दी गई हैं जो अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई, लेकिन एक चीज इसमें नया है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसके बेस पे हमको सेल कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज जो दी गई है वो है स्टॉक आवर्त अनुपात यानी स्टॉक टर्न ओवर रेशियो दिया गया है, और इसी को बेस मान के इसी को पकड़ के हम बाकी चीज कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टॉक टर्न ओवर रेशियो के आधार पे देखते हैं कि हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जरूरत पड़ गई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर ले। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है तो भी हम बहुत आसानी से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि पिछले कई क्वेश्चन में हमने किया है। तो ये सेल जो है वो है 3,60,000 और इसी 3,60,000 का 20% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 3,60,000 का 20% हो जाएगा 72,000,
360,000 माइनस 72,000 तो ये हो जाएगा 2,88,000। तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो के आधार पे एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 6, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,88,000 अपॉन एवरेज स्टॉक। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू एवरेज स्टॉक इक्वल टू 2,88,000। और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा एवरेज स्टॉक इक्वल टू 2,88,000 अपॉन 6, यानी कि एवरेज स्टॉक हो जाएगा 48,000। अब दो चीजें हमको यहाँ पर मिल गई है, एक तो हमको एवरेज स्टॉक मिल गया है और दूसरा हमको ये बता दिए हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 15,000 ज्यादा है। तो यहाँ पर भी हम ओपनिंग स्टॉक को मान लेते हैं एक्स। अब एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज स्टॉक यानी 48,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक यानी एक्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक यानी एक्स प्लस 15,000 अपॉन 2। और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 48,000 इंटू 2 और इक्वल टू एक्स प्लस एक्स यानी 2x प्लस 15,000। तो ये हो जाएगा 96,000 इक्वल टू 2x प्लस 15,000। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 96,000 माइनस 15,000 जब 15,000 का पक्षांतर करेंगे तो, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 96,000 माइनस 15,000 यानी 2x इक्वल टू 81,000 और x इक्वल टू 81,000 अपॉन 2 यानी 40,500। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 40,500 और क्लोजिंग x जो है वो ओपनिंग स्टॉक है और x जो है वो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक क्या था, वो ओपनिंग स्टॉक से भी 15,000 ज्यादा था। यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 40,500 से 15,000 ज्यादा, यानी ये हो जाएगा 40,500 प्लस 15,000 55,500 हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड फॉर द ईयर 2001 एंड 2002 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सन्ड्री डेटर्स 1st अप्रैल 2001 35,000, 31st मार्च 2002 45,000। बिल्स रिसीवेबल 1st अप्रैल 2001 5,000, 31st March 2002 15,000। Provision for doubtful debts 1st April 2001 3,500, 31st March 2002 4,500। Total sale 3,70,000, sales return 10,00,000, cash sale 60,000। इस प्रश्न में हमको जो कैलकुलेट करना है दो पॉइंट वो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो और दूसरा एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड। ये नए पॉइंट्स हैं यहाँ पर। जानकारी हमको जो दी गई है वो ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स एंड ओपनिंग देनदार और क्लोजिंग देनदार की दी गई है, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल की दी गई है और ओपनिंग डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्लोजिंग डाउटफुल डेब्ट्स का संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान का प्रारंभिक और अंतिम जो बैलेंस है वो दिया गया है। साथ में हमको मालूम है कि विक्रय कितना है, विक्रय वापसी कितना है और इसमें से नगद विक्रय कितना है। हमने देखा कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक तो नेट क्रेडिट सेल और दूसरा एवरेज क्रेडिट कलेक्शन पीरियड के लिए हमको चाहिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले तो हम ये देख ले कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालें और इसके लिए हम नेट क्रेडिट सेल और एवरेज डेटर्स कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट क्रेडिट सेल। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल सेल दी गई है, सेल्स रिटर्न दिया गया है, कैश सेल दी गई है, इन तीनों टॉपिक इन तीनों पॉइंट्स के आधार पर हम बहुत आसानी से क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल सेल है 3,70,000, इसमें से सेल्स रिटर्न हो गया है 10,000, तो 3,70,000 में हम 10,000 माइनस कर दें, ये है टोटल सेल। टोटल सेल मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट। तो टोटल सेल 3,60,000 में से 60,000 जो है वो कैश सेल है, यानी बाकी जो बचा वो क्रेडिट सेल है। तो 3,70,000 माइनस 10,000 माइनस 60,000 यानी नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 3,00,000। ये हमने नेट क्रेडिट सेल निकाल लिया। अब हम निकाल लें एवरेज डेटर। तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे, एवरेज डेटर्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ओपनिंग डेटर्स माइनस क्लोजिंग डेटर्स। तो डेटर कौन है हमारे यहाँ पर, एक तो जो डेटर्स दिए गए हैं वो और दूसरा जो बिल्स रिसीवेबल है वो, दोनों ही हमारे डेटर्स होते हैं।
तो यहाँ पर हम ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल दोनों के आधार पे एवरेज डेटर्स निकालेंगे। तो ओपनिंग डेटर्स है हमारे 35,000 के और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है 5,000 का, यानी ये हो गया ओपनिंग बैलेंस 40,000। उसके बाद क्लोजिंग डेटर्स है हमारे 45,000 के और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल है 15,000 का, यानी ये हो गया हमारा 60,000। तो यहाँ 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 अपॉन 2, यानी कि 50,000 जो है वो हमारा एवरेज डेटर निकल जाएगा। अब जो भी चीजें हमको चाहिए थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो पहले हम निकालेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। नेट क्रेडिट सेल हमने फाइंड आउट कर लिया था 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर हमने फाइंड आउट कर लिया 50,000, तो ये हो जाएगा 6 टाइम। अब इसके आधार पर हम बहुत आसानी से एवरेज क्रेडिट कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, 6 टाइम हमने कैलकुलेट किया है, तो 12 अपॉन 6 यानी 2 मंथ जो हो जाएगा वो एवरेज क्रेडिट कलेक्शन पीरियड हो जाएगा।